कहाँ ना बोलो ब्रो, बादशाह का ओपी को मार के देखो जिसमें दम है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप लोगों ने सुना, ओके एक बंदा ब्रो, चैलेंज अच्छा कर है रहा था कि वो। हमें गटका आना है। सो गाइस, हम लोग चैलेंज को चल एक्सेप्ट ब्रो करेंगे, बात बिल्कुल से डिक्लाइन बिल्कुल से नहीं करेंगे, क्योंकि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना। सो गाइस, हम तो गटका की तरफ बढ़ लेते हैं, लेकिन अब इसकी गारंटी नहीं कि सामने वाला बंदा गटका आए। सो गाइस, सिंपली सीन ये है कि मैं कॉन्क्रीट पुश कर रहा हूँ, ये मेरा सोलो कॉन्क्रीट फर्स्ट टाइम मैं पुश कर रहा हूँ, और ये मेरा फर्स्ट ट्राई है, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, ये मेरा फर्स्ट डे और इवन फर्स्ट मैच है। ये मैं आज के दिन 2 बजे खेला हूँ इस मैच को, और मैं जल्दी से वीडियो बना रहा हूँ। सोच रहा हूँ डेली अपडेट दूँ, जब तक पहुँच जाऊँ एटलीस्ट एक दिन में 2 वीडियो डाल दूँ, ठीक है गाइस। सो थंबनेल में थोड़ी सी गड़बड़ आ सकती है, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ उतना थंबनेल बनाने के लिए, ठीक है। सो गाइस, अब गेम प्ले की ओर बढ़ते हैं, बाकी बातें बाद में करूँगा। और ये बताऊँगा किस टाइप से खेलना है आप लोगों, किस टाइप से आप कुछ कर सकते हो अच्छे से, आपका माइनस ना हो, लास्ट जोन की स्ट्रेटी सब बताऊँगा। सो गाइस देखो, यहाँ मैं गटका उतर चुका हूँ और बंदे भी आए हैं 2 3 4। सो गाइस, मेरे को ये घर से लूट बहुत ही कम मिलती है, मेरे को एक बस पिस्टल मिल जाता है और एक रेड डॉट मिल जाता है, उसके बाद मैं आगे चला जाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे देखना अभी क्या होता है। सो गाइस, सिंपली मैंने यहाँ पे इस बंदे को मार दिया, शायद से इसके पास टॉमी गन थी और मैंने इसको आराम से मार दिया पिस्टल से। अब आगे और भी बंदे थे जिनके पास गन्स थी, तो मैं बस इतना सोच रहा था मेरे को एक ऑटो गन मिल जाए, और मेरे को इस घर से भी ऑटो गन नहीं मिलती, और मैं पिस्टल से फाइट नहीं ले सकता इतने सारे बंदों से। सो गाइस, मुझे किसी भी हालत में गन चाहिए थी, मतलब चाहिए थी, तो मैं थोड़ा सा हील कर सकता था, वो मैं हील कर लेता हूँ। और जो कि सामने बंदे थे, इसलिए मैं पीछे से कूद के सामने वाले घर में चले जाता हूँ, ताकि मैं एक ऑटो गन ढूंढ पाऊँ, मेरे में थोड़े से कॉन्फिडेंस आए, तब मैं बंदों से फाइट ले सकूँ। ऐसे तो पुश कर रहा हूँ, बट बंदे आ गए तो उनको फिनिश तो करना ही पड़ेगा। और इधर मेरे को मेरे काम की चीज़ मिल जाती है, जो कि थॉम्सन, और जैसे ही थॉम्सन मिलती है, मेरे को सामने वाले घरों से फुटस्टेप आती है, जो कि फुटस्टेप आ रही थी सामने वाले घर के छत से, जो एक बंदा छत पे था। सो गाइस देखो क्या होता है इसके साथ। सो गाइस, बेसिकली जब मैं फायरिंग करता हूँ, तभी ये बंदा सामने आया, तो मैं इसको इजीली किल कर देता हूँ। अभी भी यहाँ पे 3 से 4 बंदे गटका में बचे हुए थे, जो कि मैं सोचा था 1 2 बंदे आएंगे, लेकिन यहाँ पे 6 बंदे आ गए। और गाइस देखो, गाइस ये बंदा भी एग्जैक्टली सेम यही जगह पे, मतलब क्या ही लग गया, यहीं पे आके ये भी मर गया। शायद से ये बॉट था, लेकिन सेम जगह पे आ जाते हैं। और आप चीज लोग ये एक और चीज़ देखना, यहाँ पे 1 बंदे 2 बंदे नहीं, 5 बंदे मैं मारूंगा बस इसी प्लेस पे, एग्जैक्टली यही जगह पे। सो गाइस, जैसे ही मैं वो जगह से लूट के आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को बंदे के फुटस्टेप सुनाई देते हैं, और पीछे एक शॉर्ट गन भी चला रहा था, राइट के साइड में बंदा और एक लेफ्ट के साइड में ही था सामने वाले घर में। तो मैं कन्फ्यूज हो रहा था किस पे ध्यान दो, थोड़ा देर इस पे ध्यान दिया तो मेरे को ये स्पॉट नहीं हुआ ये बंदा। तो मैं बेसिकली सामने वाले बंदे पे एक नेट ट्राई करता हूँ कि इससे मर जाए तो सही है, वरना मैं पुश कर दूंगा। तो मेरे को इधर बंदा दिखा, तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा तो बंदा डैमेज हो गया होगा इस नेट से, तो मैं पीछे से रश कर देता हूँ, क्योंकि सामने से जाऊँगा तो वो सामने वाला बंदा, राइट वाला बंदा मार सकता है मेरे को। तो मैं पीछे से ही घुस जाता हूँ, और मेरे को इसके एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी कि इस घर में कहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ी सी माइंड गेम खेलता हूँ और थोड़ी सी स्मोक करता हूँ, ताकि डर जाए और अपनी लोकेशन दे दे। तो मैं जब फेंकता हूँ तो ये लोकेशन नहीं देता, बाद में देता, पता नहीं क्या आता है इसके दिमाग में। सो गाइस, मेरे को बेसिकली लोकेशन पता चल गया, तो मैं आराम से इसको जाके मार देता हूँ। सो गाइस, अब वो बंदा था जो आगे था, उसके साथ मेरी बहुत लंबी फाइट चलती है, जरूर से देखना। सो गाइस, जैसे ही मैं ये घर होल्ड करने के लिए आता हूँ, यहाँ पे एक मेरे को फुटस्टेप आती है, शुरू में लगता है कि ये बॉट है, बट ये बॉट होता नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा माइंड गेम खेल के इसको मारता हूँ, शुरू में मेरे को ये यहाँ पे दिखता है, मैं सोचा डायरेक्टली रेस्ट कर देता हूँ, फिर सोचता हूँ कि ये चीज़ गलत हो जाएगी अगर वो सीढ़ी पर कैम्प करके बैठ गया टीपी पे लेके, तो मेरे को आराम से मार देगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सामने वाली बिल्डिंग में चला जाता हूँ, और देखो गाइस, जो मैंने कहा था कि जब मैंने 5 बंदे मारे थे, देखो गाइस ये बंदा भी वहीं पर जाके मर जाता है। तो शुरू में मैंने सोचा कि बंदा मर गया, लेकिन बंदा मरता नहीं है, जो भी हो यहीं पे यह तीसरा बंदा मैंने मार दिया। सो गाइस, काफ़ी मज़ा आ रहा था ये गेम खेलने के लिए। अब बस वो गटका में वही बंदा बचा था जिससे मेरी लंबी फाइट होने वाली थी, तो मैं आपको पूरी फाइट नहीं बताऊंगा वाली, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो फाइनली मेरे को ये बंदा स्पॉट हो जाता है, जो कि मैं इसको 2 शॉट देता हूँ, बट मैं इसको फिनिश नहीं कर पाता हूँ पूरी तरह से। एक बॉडी एक और हिट देता हूँ मैं, बट मैं सोचता हूँ कि अभी इसको जाके रस करते हैं, इसकी हीलिंग कम होगी, और शायद मैं लॉन्ग फाइट में लेना नहीं चाहता था, इसलिए मैं जल्दी से साइड वाइड चेंज चेंज कर करके जा रहा था, ताकि मैं इसको मार दूँ। और यहाँ पे मैंने इसको एक गोली मार दी, तो मैं सोचता हूँ राइट से चला जाऊँ, बट मैं चला भी जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ सीन होता है मेरे साथ, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता हूँ, बट इन देन मैं इसको मार ही देता हूँ। सो गाइस, ये बेसिकली वही बंदा था जिसने चैलेंज किया था, जिसका नाम है बादशाह ओपी। सो गाइस, इसको मैं चैलेंज कंप्लीट करके इसको मार देता हूँ। सो गाइस, अभी गटका में बंदे कंप्लीट हो चुके थे, तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करना था, सो मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ थोड़ी देर।
सो बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूट करने आया था, यहाँ पे फूड स्ट्रिप आती, मेरे को लगा रियल बंदा, लेकिन देखो यार कौन है कैसे मरता है। सो गाइस ये बेसिकली मैं एक बॉट था जो मेरे बग्गी पे आके बैठ गया था। सो गाइस आपके साथ कभी ऐसा हुआ, कभी आपने बॉट को देखा हुआ है कि गाड़ी में बैठा हुआ है? सो गाइस ये कुछ फनी सीन था। थोड़ी देर उस पोजीशन को हिल करने के बाद मैं यहाँ पे ड्रॉप लूटने आता हूँ, यहाँ पे मेरे को बंदा मिल जाता है। सो यहाँ पे मैं गलती कर बैठता हूँ, सो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता हूँ। मैं पहले सोचता हूँ कि मैं हील कर लूँ, बट मैं सोचता हूँ ये नेड कर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं सबसे पहले नेड करता हूँ, दो नेड ट्राई करता हूँ ताकि एक में तो घमेटे में आ जाए गाइस। सो लेकिन ये बंदा पहले ही नेड में मर जाता है, तो मेरे को काफ़ी खुशी होती है कि नेड काम कर गया। सो गाइस कभी कभी ऐसे सिचुएशन में अगर आपके सामने बंदा है तो गन से ज़्यादा आप नेड पर निर्भर हो जाओगे कि सही जगह पर नेड गिर गया तो यार एक बार में उसका काम तमाम हो जाएगा। और ख़ास करके जब आपकी हीलिंग कम हो और आप ओपन में हो तो नेड काफ़ी कारगर चीज़ होता है। और स्मोक करके ज़रूर से लूटना, क्योंकि सोलो में गाइस आपको कोई रिवाइव नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप सिंगल होते हो तो आप सीधा फिनिश हो जाते हो। तो मेरे को इससे ऐसी खासी लूज मिल जाती है, मैं इससे ग्रोजा ले लेता हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी काम आ जाती है अगले बंदे को मारने के लिए। सो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ लूट लाट करके। तो वीडियो को अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, काफ़ी मज़ा आगे भी और यहाँ तक भी आया है। सो गाइस मैं वापस से गटका के 3 बिल्डिंग होल्ड कर ही रहता हूँ कि यहाँ पे एक US का साउंड मेरे को सुनाई देता है जो कि मेरे घर पे आके टकरा जाती है। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ उतर के मार दूँ इसको नीचे, बट मेरे साथ गलत ही सीन हो जाता है, मैं इसकी गाड़ी पे उतर जाता हूँ और जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ ये बंदा ऊपर चला जाता है। और मेरे पास ग्रोजा होती है तो मेरे को कॉन्फिडेंस होता है, तो मैं सीधा ही जाके घुस जाता हूँ इस पर। और गाइस थोड़ा सा एम प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मारने में इतनी प्रॉब्लम आई मेरे को, इसने अराउंड 50% से ज़्यादा 70% तक का डैमेज दे दिया था। बट जो भी हो यहाँ पे मैंने 5 बार दम मार दिया था गाइस, ये जगह बहुत ही मस्त लगी मेरे को इस गेम में, मेरा फेवरेट स्पॉट बन चुका है, मैं यहीं पर उतरूँगा ट्राई करूँ। सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। तो अब आगे का दिखाते हैं, अब ज़्यादा किल नहीं, 3 किल और है। सो गाइस जैसे ही यहाँ पे मैं आता हूँ रस करने के लिए तो यहाँ पे एक बंदे को बंदा दिख जाता है जो यहाँ पे आ रहा होता है, तो मैं M4 लेके यहाँ पे होल्ड कर लेता हूँ एम लगा के। और जैसे ये बंदा आता है मैं उसको सिंपली मार देता हूँ। सो गाइस रैंक पुश हमेशा होल्ड करना सीखो, कि कोई बंदा दिख रहा है तो थोड़ा होल्ड करो, ये नहीं कि पुश कर रहे हो आप तो रैंक पुश कर रहे हो ना, तो आपको होल्ड करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इस बंदे को मार देता हूँ, मेरे 10 किल हो जाते हैं, मेरे को लग रहा है आप चिकन निकालना चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और होल्ड करता हूँ, सामने वाले बिल्डिंग में भी बंदा होता है। सो गाइस मेरे पे ऐसे यहाँ पे जोन नहीं रहता तो मैं वापस वही जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने देखे थे बंदे। सो गाइस अब मेरे को कोई ऑप्शन नहीं था तो मेरे को यहीं पे जाना, तो मैं जल्दी से गाड़ी लेके चला जाता हूँ क्योंकि मेरे को पता था कि बंदे हैं। बट मैं वहाँ पे जैसे ही जाता हूँ मेरे को फुटस्टेप आ जाते हैं, तो मैं 100% कन्फर्म हो जाता हूँ। सो गाइस मैं सोच रहा था इसे फेस टू फेस फाइट ना लूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा माइंड गेम्स खेलना चाहता था इसके साथ, तो मैं एक बार नेट को पिन करता हूँ ताकि ये कूद जाए, बट ये कूदता नहीं है। तो सोचा कि बंदा थोड़ा चला गया तो यार और थोड़ा गेम खेला जाए, तो मैं सोचता हूँ कि इसको फेस टू फेस फाइट अब लेंगे ही नहीं, तो मैं इसको नेड ही टान देता हूँ, देखता हूँ कि बंदा मरता है कि नहीं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे नेड कहता हूँ यहाँ पे, सो इस वाले नेड पे शायद से वो डैमेज हो जाता और इस साइड वाले रूम पे आया तो मेरे को अब इसकी मतलब इसका लोकेशन मेरे को पता था, तो मैं इजीली इसको नेड करके मार देता हूँ। सो इजीली यहाँ पे ज़्यादा कम से कम आप फेस टू फेस फाइट लो, स्टार्टिंग में तो लेनी पड़ती है लेकिन लास्ट में जितना कम से कम लो उतना सेफ रहता है, उतना अच्छा रहता है, ठीक है। अब बस एक ही बंदा बचा था, मैंने पता नहीं क्यों लूट उठाई, और क्योंकि मेरे को मन कर रहा था। अगर गाइस आपको मेरे गेम प्ले अच्छे लगते हैं ना यार, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना मीठा सा एकदम अच्छा सा। सो गाइस मेरे को यहाँ पे बंदा दिख जाता, देखो कैसे मारते हैं इसको। सो गाइस एक ईजी विनर विनर चिकन डिनर। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दिखा देना, क्योंकि डेली वीडियोस आएंगे आपसे। स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय।